तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं पुष्कर, और आप नज़ारे से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये देखो कैमल, ऊंट और ऊंट गाड़ियां ढेर सारे लगे हैं रास्ते पर। तो चलिए गाड़ी से उतरते हैं और आपको बताते हैं आगे का नज़ारा। सो हे गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और आज हम अजमेर शरीफ में दूसरे दिन आ चुके हैं, और दूसरे दिन में हम जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं? पुष्कर। पुष्कर बहुत धार्मिक स्थल है, और पूरे वर्ल्ड में ब्रह्मा जी का जो मंदिर है वो पुष्कर में ही है, अजमेर स्थित पुष्कर में है। तो हम जा रहे हैं आज पुष्कर की जर्नी, और आपको दिखाते हैं पुष्कर के सारे पॉइंट और सारे व्यू। और अभी मैं तैयार हो गया हूँ, रेडी हो गया हूँ, और मेरे साथ है सोनू। तैयार हो गया? हेलो। तो चलो, सोनू भी तैयार हो गया है, तो चलो मिलते हैं आगे। आपको बताता हूँ क्या कैसी कहानी है, क्या कैसे नज़ारे हैं। और दोस्तों आपके लिए एक बेहतरीन सरप्राइज़ है, उस सरप्राइज़ को देखने के लिए आगे ब्लॉग पर बने रहिएगा। और मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं आगे, और आपको दिखाते हैं कहाँ पुष्कर की जर्नी बाय ट्रैवल। और अभी हम लोग जा रहे हैं होटल के रिसेप्शन में, और वहाँ पर जाके पता करेंगे गाड़ी का क्या कैसा प्रोसेस है, कितना क्या चार्ज लगेगा, और कौन कौन से वो पॉइंट विजिट करवाता है। तो चलिए बिना किसी देरी का मैं आगे मिलते हैं, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं आगे। तो दोस्तों फाइनली हम लोग आ गए रूम से बाहर, और अब हम जा रहे हैं लिफ्ट पे, तो आपको मैं दिखाता हूँ बैक कैमरे से। तो दोस्तों ये रही हमारी लिफ्ट, हम फोर्थ मंजिल पे हैं, और जाना कहाँ है? वन पे। लिफ्ट के नज़ारे। दोस्तों आज तो ढेर सारे पॉइंट को कवर करना है, बस गाड़ी वाले से भी जहाँ तक बात हो चुकी है, जाते हैं अपने फैमिली मेम्बर से मिलते हैं और बताते हैं क्या कैसी कहानी है। नाश्ता अकेले अकेले लेके चले होते पे अपन पुष्कर में। ये है रिसेप्शन, ये है होटल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको पिलाते हैं चाय, बने रहिएगा ब्लॉग पर। और चले दोस्तों ये है अजमेर की गलियां, और अभी हम लोग तैयार हो गए हैं और होटल से बाहर निकल गए हैं, और अब हम लोग जा रहे हैं चाय पीने। ये देखिए हर गली हर नुक्कड़ पे आपको होटल मिल जाएंगे, और यहाँ पे भाई गंदगी भी मिल ही जाएगी। इतना पड़ेगा वहाँ पे। ये जितना मोबाइल अपन चमका रहे हैं सोनू, ये ताड़ के ना बैठ ले भाई, है ना। फाइनली दोस्तों सामने है चाय की टपरी, जाते हैं। दो चाय दे दो भाई। तो पहले कहाँ जा रहे हैं हम? पहले पुष्कर जा रहे हैं हम लोग। तो भाई सब लोग बैठ गए, कोई छूटा तो नहीं? नहीं। ऑल सेट चले? ड्राइवर साहब चले? जी। पुष्कर में है रेगिस्तान वगैरह। अच्छा अच्छा, वहाँ ऊंट सवारी होता है। अच्छा, ऊंट मिलेगा वहाँ? हाँ। क्या बात है दोस्तों, ऊँट की सवारी आपको दिखाएंगे, बने रहना। अभी मेला भी चल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, पुष्कर का मेला वेला अभी आज से स्टार्ट हुआ है? आज से स्टार्ट हुआ, हमें तो पता ही नहीं था कि मेला भी है, और अचानक से हमारा रिजर्वेशन और ये सारा टूर्स सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई थी, और यहाँ आके पता चला कि भाई पुष्कर का मेला भी स्टार्ट है, तो बहुत मज़े की बात है। तो चलिए आगे आपको बताते हैं पुष्कर का मेला, और हमारे ड्राइवर साहब कम गाइड हमारे साथ बने हुए हैं, सारी चीज़ों का जानकारी आपको देते रहेंगे। चलिए मिलते हैं आगे। क्यों
मेन रेगिस्तान के लिए ही आप जा रहे हो। रेगिस्तान के अंदर ही मेला है। मेला वो कब कब लगा रहता है? मेला अभी लगता है सब नवंबर में, हर साल लगता है दीपावली के बाद। पिताजी पिताजी यहाँ देखो, सागर पीछे की बना ले थोड़ी घुमा दे। हेलो, हाँ रास्ता कौन से खुले हैं? पुष्कर का, पुष्कर का, हाँ अच्छा पूरा लंबा चौड़ा है। हाँ पानी को ही झील कहते हैं। अच्छा दोस्तों, ये है आना सागर झील और इस पानी को ही झील बोलते हैं, आना सागर झील बोलते हैं। जो खाजा साहब ने कटोरे के अंदर ले लिया था ये पूरा पानी। अच्छा अच्छा, ये कटोरे के अंदर? हाँ क्या बात, यहाँ के राजा ने खाजा साहब के मुरीद को पानी लेने से मना कर दिया था। अच्छा, तो खाजा साहब ने वापस भेजा कि मुरीद को, जाओ पानी को हुक्म दो। अच्छा, कहे पानी तेरे को खाजा साहब ने बुलाया है। जो मुरीद आके पानी के पास बोले कि है पानी तेरे को खाजा साहब ने बुलाया, तो पूरा का पूरा पानी उस कांसे के अंदर आ गया था। अच्छा, इतना सा तो कुछ कांसा होता है, उसमें समट गया ही, क्योंकि ये खाजा साहब की करामात थी। अच्छा, हम लोगों का भी प्लान बन रहा था पिछले 3-4 सालों से, और वो डिले होते जा रहा है, डिले होते जा रहा है, डिले होते जा रहा है। हुक्म के भी, हाँ ये बात तो सही है, आपके और मेरे औकात नहीं है कि हम आ जाएं। जो आ जाए नहीं, सही बात है, इनको मेरे को जितनी रोजी देनी है वो देंगे जी। हम इनसे बहुत दुआ करते हैं, तो जितनी इनको देनी है ना। क्या हो गया? हाँ तो कर रहे थे ना। अच्छा अनी देख, हेलो गाइस नहीं कर रहे नहीं? हेलो गाइस। मौसी के पास जाना नहीं, मौसी ने कौन सा लालच दे दिया? अरे मौसी के पास जाना है। नागपाट, इसका आप कोई सा भी पत्थर देखोगे तो आपको नाग की शेप में दिखेगा। अच्छा, हाँ जैसे फन फैलाया हो। ये क्या कोई सा भी देख लो आप पत्थर। हाँ सही है, तेरी आँखें व्यू है यार।
ये है महाराणा प्रताप का स्टेच्यू। अच्छा हाँ, मैंने यूट्यूब में भी देखा था, पता है ये हिरन दिख बंदर भी कहा ऊपर कहाँ बैठते हैं हिरन के लिए? देख कितने सारे हिरन बेटा, देख बंदर, देख बंदर, देख बंदर, ए बंदर, देख बंदर, देख बंदर, हाँ देख रहे हैं, हाँ देख रहे हैं बंदर, देख बंदर, देख यार बंदर, वो बंदर, हाँ हम बुला रहे हैं, बंदर देख बुला रहा है, बेटा कितने सारे निकल रहे, अरे रे जी आ गए भैया, देख बंदर, 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 देख भाई जो ये तो उद्यमी लगता है जी। हाँ यार इसे हनी को पकड़ो यार, बेटे बहुत पिकिंग है सालू, आने देख किरण हनी इनको देखो, सागर अपने दोस्तों को समझाओ यार भाई, ये ऐसा नहीं चलेगा, क्या बात है दोस्तों आ जाओ, देख हिरन है बेटा, हिरन है बारह, ये बारह सिंह है ना हिरन, हिरण तो वो है जी, जी वो ये देख रहे हैं दो चार जी सिंह वाले, तो बारह सिंह है ना, हेलो ले ले अंदर, इधर दो इधर, पापा वो है, वो पापा इधर, पापा 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 इधर आओ, मान लीजिए आइए बस देखा जाइए, उधर ये जी भी उधर बोले ये जी, ये जी भरा पर दिखा रहे हैं, उधर ये नहीं आया वो जी, वीडियो तो बनाओ जी, बना तो ये जी, अबे बे लप लाई लपन ले लो, ले ले बेटा, तेरे को भी चाहिए, ले बेटा तू भी ले, अरे थैंक यू तो बोल, थैंक यू तो ये, अबे ये उसकी माँ है, चलो आ तू बंदर, तू बंदर अबे लेट आया तू, अरे लेट आया है तू, चलो भाई मोबाइल वाइल ना ले ले वो, चलो चलो मम्मी, देख हिरन बेटा, हिरन बेटा, हिरन बेटा, चलो आते हैं, ये रेगिस्तान इसलिए वहाँ पे क्या ठंड ज्यादा पड़ती है, इसलिए ये है कश्मीर वाले हैं।
अब सर्दी में ज्यादा ठंड पड़ेगी ना नवंबर दिसंबर, तो वहाँ घूम नहीं सकते। दिसंबर और जनवरी उस टाइम ये कश्मीरी भी यहाँ आ जाते हैं। नहीं उगता जहाँ गुलाब खिलता है, और वो भी बिना पानी के। राजस्थान में पानी की कमी है, कमी है। यहाँ ख्वाजा साहब और परमा जी का कर्म है। अच्छा, जो ये गुलाब पैदा हो गई है। नहीं तो पानी के अंदर बंद कर लो भैया, बंद कर लो आराम से। अरे बंद कर लीजिए आप लोग, बस एक सेकंड रुक तो लिया। पाकिस्तान में जाके रुक।